ये देखो जी, आज मैं आपको एक ऐसे ऑर्गेनिक पौधे के बारे में बता रही हूँ जो बहुत ही फायदेमंद है, मेडिसिन का काम करता है। इसका नाम है पत्थरचट। जैसा कि नाम से ही पता है कि ये पत्थर को भी हजम कर जाता है। पत्थरचट मतलब पत्थर को भी हजम कर जाता है। ये ऐसे दो तीन तरह में आता है, ये गोल पत्ते वाला और एक बड़े बड़े, इसके इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं ऐसे लंबे लंबे, और ये एक गोल पत्ते में आता है। ये बहुत ही फायदेमंद है। डेली इसका एक दो पत्ता ये तोड़ के साफ करके और आप खा लो चबा चबा के, तो आपकी पथरी निकल जाएगी। ये सच में ऐसा होता है, इसमें कोई भी हंसने की बात या वो नहीं है, ये फैक्ट बात है। पत्थरचट नाम से मशहूर होता है। हमें पेपर में भी ये सवाल आता था कि ऐसे दो पौधों के नाम बताओ जो कि पत्तों के द्वारा उगते हैं। ये बीज के द्वारा नहीं उगता, ये पौधा पत्तों के द्वारा उगता है। इसका एक पत्ता तोड़ के और आप मिट्टी में लगा दो तो पूरा पौधा बन जाएगा कुछ दिनों के बाद। अब गर्मी का मौसम आ गया है तो थोड़ी सी हम इसकी गुड़ाई कर लेते हैं, ऐसे करके थोड़ी सी ऐसे करके इसकी गुड़ाई कर देते हैं ऐसे करके, और मैं इसके अंदर ऐसे करके गुड़ाई कर लो इसकी, तो थोड़ी इसमें हवा जानी शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर मैंने अभी ये गोबर की खाद डाली है, ये देखो ये गोबर की खाद डाली है। जो माली है वो बहुत महंगी देते हैं, इतना सा पैकेट 10 रुपए का देते हैं, पर आप ये पार्क से या कहीं ऐसे गोबर के ढेर लगे होते हैं तो वहाँ से ला सको तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके आप गोबर की खाद डालो। और इस बार मैंने ये जैसे होते ना राख जलाकर पत्तों को जला लिया, सर्दियों में पत्ते इकट्ठे हो जाते थे, उनको आग लगा दी तो उनकी राख बन जाती है। ये भी एक खाद का काम करता है, और अगर पौधों के ऊपर छिड़क दो तो इसमें कीड़ा भी नहीं लगता। तो ये थोड़ी सी मैंने इसमें राख भी डाली है, ये देखिए आप ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी मैं लहसुन छीलती हूँ, हरी मिर्च छीलती हूँ तो कीड़ा ना लगे पौधों को, तो ये छिलके भी कई बार मैं गमलों में डाल देती हूँ। और कई बार दाल वगैरह हम धोते हैं तो उसमें भी प्रोटीन वगैरह होता है, सब्जी पालक वगैरह धोए तो उनका पानी भी मैं वेस्ट नहीं करती, गमलों में डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही ऑर्गेनिक पौधा है पत्थरचट। आप इसे घर में ज़रूर लगाएं, और लगाने का तरीका मैं आपको आसान सा बता देती हूँ। आप ये एक पत्ता लिया और आप इसको ऐसे थोड़ा सा स्पेस बनाकर और इसके अंदर आप ये पत्ता ऐसे लगा दें, और ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दें, आप गर्मी आ गई है तो आप 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखो ये आप पानी डाल दीजिए, वाह, हरे हरे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, मन को भाते हैं। और इनकी पत्तियां देखो क्या बढ़िया कारीगरी करी है, ऐसे कोई बना सकता है? ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, क्या डिजाइन है पत्तियों। ये हरे हरे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, ऑर्गेनिक पौधा है। मैंने किसी को दिया था इसके 2-4 पत्ते तोड़ के, तो उसकी पथरी निकल गई यूरिन के माध्यम से। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। कभी कभी मैं भी इसे पानी में उबाल कर उसका पानी पी लेती, या ऐसे ही खाया जाए तो बेटर है। ये बहुत ही काम का पौधा है, ऑर्गेनिक पौधा। आप इसे अपने घर में लगाएं और इंजॉय करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड इवनिंग टू ऑल, हैव अ